नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन जोन में। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे बेहतरीन केमिकल स्टॉक के बारे में। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है बेहतरीन केमिकल स्टॉक है और आपको ये अच्छा खासा पैसा बनाकर देगा। कई सारे रीज़न है उसके साथ, कैसे कई सारे रीज़न है मैंने कई लोगों को बताया, वो लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। 45 रुपीज़ से स्टॉक मैंने लोगों को बताया हुआ। यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड स्टॉक का नाम है और उसके स्टॉक के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, आज क्यों बता रहा हूँ, उसका एक ही रीज़न कि कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको ऑल टाइम चार्ट पैटर्न मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, कैसे मैं आपको सारी बात बताना चाहूँगा। पर उससे पहले कहना चाहूँगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी। वहाँ पर सबसे पहले सारे आइडियाज फ्यूचर ऑप्शन से इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग से जितने भी यहाँ पर स्टॉक होते हो सब कुछ वहाँ पर बताता। तो विद चार्ट पैटर्न एंड लॉजिक, चार्ट पैटर्न लॉजिक के साथ रीज़न क्या है वो सारे रीज़न के साथ मैं लोगों को बताता हूँ। तो उसके लिंक नीचे था, फटाफट से ज्वाइन हो जाए। कोई क्वेश्चन होता है किसी भी स्टॉक के बारे में तो आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो उसकी बिलिंग आपको नीचे मिलेगी। चलिए अब मैं यहाँ पर स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर स्टॉक का नाम क्या है, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। यहाँ पर स्टॉक का नाम है, कंपनी का नाम है। सबसे पहले बात स्टॉक की अकाउंट मार्केट प्राइस, यहाँ पर देखिए 83 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप चाहे तो मेरा वो पुराना वीडियो भी यहाँ पर नीचे आपको लिंक मिलेगी, वो भी चेकआउट कर सकते हो। देखिए 83 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 83 रुपीज़ के अराउंड। यहाँ पर ही मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे लेवल ब्रेकआउट। देखिए सबसे पहली बात, देखिए ये सारे बड़े से बड़े लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट होंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, कौन से रुपीस कौन से प्राइस के आसपास, 91 रुपीस के अराउंड एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और अभी स्टॉक उसके अराउंड यहाँ पर चल रहा है। मुझे अभी भी यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने के साथ आपका पैसा 83 रुपीस का स्टॉक कब 150 तक चला जाएगा आपका पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे स्टॉक में से इन्वेस्टमेंट करने से कभी डरना नहीं है। क्या क्यों नहीं डरना है, रीजन क्या, केमिकल का बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, मैंने कई बार लोगों को बताया हुआ है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। उसका एक रीज़न मैं आपको बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको कंपनी का थोड़ा बिजनेस आउटलुक बताना चाहूंगा। कंपनी का जो केमिकल्स बना रहे हो, कौन कौन से केमिकल्स यहाँ पर कंपनी बना रहे हो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले कंपनी यहाँ पर टेक्सटाइल केमिकल्स एंड ऑक्सिलरीज के वो सारे केमिकल्स आते हैं वो बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल बनाने का बिजनेस है, तो टेक्सटाइल सेक्टर से जो भी केमिकल जरूरत पड़ती है वो बना रहे, ऑयल एंड गैस। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए स्पेशलिटी केमिकल, सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में जानना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको नीचे मिलेगी, आप वहाँ से भी आप चेकआउट कीजिए, पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको सारी वहाँ से मिलेगी। और जो पब्लिक हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी केमिकल्स आते हैं वह कंपनी बना रही है। तो एक बात सोच के देखिए, पब्लिक की हेल्थ, आज के जो समय में हमको पता चल रहा है कि लोगों की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। कोरोना जैसा क्राइसिस आ गया, अब सबको समझ में आ रहा है कि पब्लिक लोगों की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी उसके भी केमिकल्स यहाँ पर बना रही है। ऐसा मत कहना कि केमिकल्स नहीं, केमिकल्स बना रही पर लोगों की हेल्थ से रिलेटेड केमिकल्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है कंपनी का, यहाँ पर आप देख सकते हो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल सेक्टर में जो भी केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ऑक्सिलरीज फॉर कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, यहाँ पर देखिए लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री में जो भी केमिकल्स की जरूरत पड़ती है वो कंपनी बना रही है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, ग्रुप बहुत बड़ा है, आपको ऐसी कोई टेंशन की जरूरत है। कंपनी का कोर बिजनेस के टेक्सटाइल केमिकल्स का और ऑक्सिलरीज फॉर कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके साथ कंपनी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर केमिकल्स आते हैं वह भी बना रही है। तो ये सारे बिजनेस आप समझिए तो आप कहोगे, खुद कहोगे नहीं, कंपनी का बिजनेस आने वाले 4 से 5 साल में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा, बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। मैं कह रहा हूँ 1 ईयर के लिए होल्ड कर जाओ, 1 ईयर के लिए अच्छा खासा स्टॉक में से आपका पैसा बनेगा। 1 से 2 साल के लिए आपको बहुत ज़्यादा होल्डिंग करने की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर कंपनी दे रही है वो भी देखिए। यहाँ पर आपको ऐसी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल में आपको कंपनी के बैलेंस शीट कैसे शेयरहोल्डिंग पैटर्न का डेटा कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने कंपनी की बैलेंस शीट ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का शेयर कैपिटल देख लीजिए, बहुत छोटी कंपनी है, यहाँ पर 22 करोड़ का शेयर कैपिटल है। मैं जितनी भी कंपनी आपको बताता हूँ स्मॉल कैप कंपनियाँ मोस्ट ऑफ होती है, कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो यहाँ पर देखिए 187 करोड़ के आसपास का रिजर्व है और लगातार यहाँ पर देखिए रिजर्व यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। मैं प्रॉफिट लॉस मैंने नहीं बताया, आपको क्यों नहीं बताया, सबसे पहली बात हाई ROC रेशियोज, हाई ROE की रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज, ये सारे रेशियोज बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपको इसी कोई टेंशन की जरूरत, आप चाहते तो पर्सनली चेकआउट कीजिए, मुझे चार्ट पर भी आपको एक लेवल बताना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे फंडामेंटल में कोई टेंशन की जरूरत नहीं, प्रॉफिट लॉस भी अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी का चल रहा है। तो ये सारी बात हम मुझ पर बिलीव कीजिए, जो लोग मुझसे जुड़े उनको पता ही होगा, सारी बात अच्छी है तभी आपको बता रहा हूँ। स्टॉक प्रॉफिटेबल है, कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। डेट देख लीजिए, डेट कितना है, कुछ भी नहीं, 3 करोड़, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है यहाँ पर। उसके साथ कंपनी के जो टोटल एसेट है वो देखिए लगातार बढ़ते जा रहे, कोई डेट नहीं बढ़ रहा है फिर भी उनके एसेट बढ़ रहे हैं, मीन्स कंपनी का प्रॉफिट अच्छी जगह पर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। 275 करोड़ के यहाँ पर एसेट है आप देख सकते हो यहाँ पर, वो भी लगातार पिछले 3-4 साल से आप रेशियोस देख लीजिए लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे।
तो बहुत बढ़िया बात यहाँ पर बैलेंस शीट में हमें देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से आपको बता रहा था नो डेट, डेट के बिना कंपनी काम करे उससे कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है, टोटल एसेट जो है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एसेट पर ही हमको रिटर्न कमाना है। किसी भी कंपनी का जो मेन जो पैसा कमाने का जो जरिया होता है क्या होता है, टोटल एसेट्स। तो इस कंपनी का यहाँ पर आप देख लीजिए एसेट लगातार बढ़ते जाए तो वहाँ से कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी। चलिए अब इस कंपनी के मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार बताना चाहूँगा। देखिए इस कंपनी की मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर मैं आपको बताए हुए। देखिए सबसे पहली बात जो अच्छी बात है वो तो आप खुद भी देख लोगे, पर जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, जहाँ पर आप सोचोगे कि क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ क्यों नहीं करूँ, वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अच्छी बात तो सब आपको भी पता होगा कि नहीं अच्छी बात है, पर जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए कन्फ्यूजन होगा, प्रमोटर की होल्डिंग 71% थी, वहाँ से 64% हो गई डिसंबर क्वार्टर में। क्या हुआ? देखिए सबसे पहली बात 70% से भी ज़्यादा किसी भी कंपनी की होल्डिंग होती है तो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, तो यहाँ पर कंपनी के पास इतनी थी तो उन्होंने यहाँ पर कम की। पर ये दूसरी अच्छी बात, कम की और खरीदी किसने? FIIs ने नहीं खरीदी, रिटेल लोगों ने यहाँ पर नहीं खरीदी। रिटेल लोगों की कोई भी सदर यहाँ पर कुछ बढ़ी हुई है नहीं, खरीदी सिर्फ एक आदमी ने DIS में भी एक आदमी ने। देखिए यहाँ पर कौन सा, निपोन लाइफ इंडिया, बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी निपोन लाइफ। इस कंपनी के बारे में तो आप सबने सुना होगा, नाम भी सुना होगा, इंडिया की जायंट यहाँ पर कंपनी लाइफ इंडिया, निपोन लाइफ इंडिया। तो उन्होंने यहाँ पर प्रमोटर ने खाली की अपनी हिस्सेदारी और सारी की सारी हिस्सेदारी उन्होंने यहाँ पर बाइंग कर ली, यहाँ पर आप देख सकते हो, और वो भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाते जा रहे। तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, सबसे पहली बात बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर आपको टेंशन की जरूरत नहीं। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, DIIs में भी अच्छे खासे बड़े लोग आ गए हैं और रिटेल लोग की हिस्सेदारी भी 29% के आसपास ठीक ठाक से है। अब मैं आपको एक चार्ट पर आपको सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, मैंने वन मंथ का चार्ट पैटर्न यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो मेन रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है वो देखें। यहाँ पर सबसे पहली बात एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 90 रुपीज़ का अराउंड रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है। अभी भी कह रहा हूँ बाइंग कहाँ पर करें, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करो, उसके बाद आपको करना क्या है, वेट करना है, पेशेंस रखना है। हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आपको हाई वॉल्यूम दिखता है, उसके साथ एक ब्रेकआउट हो जाता है तो तुरंत आप वहाँ पर क्वांटिटी ऐड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। कम प्रॉफिट होगा पर सेफ्टी रहेंगी यहाँ पर पूरी तरीके से, वरना हो भी ऐसा सकता है कि यहाँ पर डबल टॉप बन जाए, स्टॉक नीचे भी आने लगे। तो वीडियो एंड तक जिन लोगों ने देखा है उनके लिए यहाँ पर प्रॉफिटेबल फायदेमंद टिप्स रहेंगी। सपोर्ट कहाँ पर रहेगा, मैं आपको सपोर्ट प्राइस भी यहाँ पर बताऊंगा, सपोर्ट के साथ यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है। जब स्टॉक इस लेवल के अराउंड था तभी मैंने उनको बताया हुआ था, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। फिर सपोर्ट कहाँ पर रहेगा, तो देखिए सबसे पहली बात आपका जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो इस कैंडल का क्लोजिंग रहेगा, मीन्स ओपनिंग रहेगा 71 रुपीज़ के अराउंड, यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल रहेगा, सपोर्ट प्राइस रहेगा 71 रुपीज़। यहाँ पर बेस्ट सपोर्ट प्राइस है, फिर भी भले स्टॉक में थोड़ी यहाँ पर अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट हो फिर भी सपोर्ट प्राइस बेस्ट है। ब्रेक होता है तो तुरंत आप सेल कर सकते हो। और प्रॉफिट कितना रहेगा, प्रॉफिट आपका एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट रहेगा तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, और 50% है तो मुझे लगता है इजीली आपको यहाँ पर टारगेट रहेंगे 50% के अराउंड, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। चलिए अब कोई भी स्टॉक किसी भी क्वेश्चन होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हो अगले वीडियो में, बाय।